नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि बैतूल में 4 से 5 पोलिंग बूथ पर री पोलिंग हो सकती है, जानकारी मिल रही है, क्योंकि मतदान दल को लेकर जा रही बस का इंजन खराब था जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से ईवीएम को भी नुकसान हुआ और इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह पूरी जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा कि रीपोलिंग करानी है या नहीं करानी है, या फिर डेटा जो वोटिंग से संबंधित डेटा था वो क्या पूरी तरह से सेफ है। अगर जांच पड़ताल के बाद ईवीएम मशीन्स इस स्थिति में रहती हैं या इस कंडीशन में होती हैं कि वो पोलिंग के दौरान जो मतदान हुआ है उसका डेटा सुरक्षित रहता है, तो संभव है कि दोबारा पोलिंग न करानी पड़े, अन्यथा दोबारा से मतदान कराए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, कैसे तय होगा कि रीपोलिंग होगी या नहीं होगी, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो वहां निर्वाचन आयोग जी जहां बस की में आग लगने की घटना हुई थी और उसके बाद से करीब 6 मतदान केंद्र थे जिसकी ईवीएम मशीनों को कर्मचारी लेकर आ रहे थे। ये ग्राम बिश्नूर पोनी गोला के बीच ये हादसा हुआ था। तो अभी निर्वाचन आयोग को वहां से पूरी रिपोर्ट भेजी गई है, वहां के जो स्थानीय दल प्रशासन ने, स्थानीय निर्वाचन आयोग ने। अब यहां पर जिला जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो इस पर फैसला लेंगे भोपाल में, और लगभग ये सहमति बनी कि जो 3 पोलिंग बूथ है जिन जिनकी अभी ये जांच की जा रही है कि और कौन कौन से वहां पर ईवीएम किन बूथ की थी, तो उन सभी बूथ से जुड़ी हुई जो आसपास की उस पर वापस से पोलिंग क्या कराया जाएगा। करीब 4 ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचा है, तो ये जो 4 ईवीएम मशीनें इनसे जुटे हुए जो बूथ है उन पे वापस से रीपोलिंग होगी, और इसको लेकर लगभग एक प्रारंभिक सहमति बन गई है और उसको विधिवत चुनाव आयोग इसको पब्लिक प्रकाशन करेगा और उसके बाद इन बूथ पर एक बार फिर से रीपोलिंग होगी, उसकी तारीख और इसकी अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। फिलहाल अभी वहां से रिपोर्ट पूरी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक पहुंच चुकी है, निर्वाचन आयोग तक आ चुकी है, और उसके बाद करीब 3 बूथ है या 4 बूथ है इस पे रीपोलिंग कराना, इस पे अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन रीपोलिंग होना लगभग तय हो चुका है। अब उसकी तारीख अलग से अधिसूचना के साथ घोषित की जाएगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और संभव है कि 4थे 5वें 6ठे 7वें इन 4 चरणों में से किसी एक में ये रीपोलिंग कराई जा सकती है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी की जीत का दावा किया और सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की सभी 11 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में कांग्रेस की और दुर्गति होने वाली है। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के बयान पर सीएम साय ने कहा कि जब जब हारते हैं ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं, जब जीतते हैं तो सवाल नहीं करते। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। जब जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। और करीमनगर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे
अंबानी अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। और मंदसौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव तक की सभी सीटें बीजेपी जीत रही है और पीएम मोदी को जनता का प्यार मिल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मालवा निमाड़ तो बीजेपी का गढ़ रहा है और मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदी में हो चुका है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता अप्रिशिएट कर रही है। कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का दौर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट 100 की।